लास्ट ईयर इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020-21 का नेशनल बजट अनाउंस किया था। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के बजट को डिटेल में देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट यू शुड ऑल्सो नो एज टू वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द बजट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बेसिकली नेशनल बजट गवर्नमेंट के लास्ट फिस्कल ईयर से कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू और आने वाले फिस्कल ईयर का स्पेंडिंग प्लान आउटलाइन करता है। बजट से इकोनॉमी और मार्केट्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट्स को इंक्रीज किया है तो पॉपुलेशन की डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी। इससे मार्केट के स्पेसिफिक सेक्टर्स में डिमांड रिड्यूस हो सकती है। इंटरेस्ट रेट्स कम होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिम्युलेट होती है, बट दीज आर जस्ट टू स्मॉल एग्जाम्पल्स। सो एज एन इन्वेस्टर, नेशनल बजट से मिलने वाली इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट डिसीजंस में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। नाउ दैट यू नो एज टू व्हाई अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अबाउट द नेशनल बजट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लेट्स डाइव इन। 2020 में इंडिया की GDP ग्रोथ 6 ईयर लो पर रही, लेकिन 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन 6-6.5% पर है, विच इज अ होपफुल साइन। 2020-2021 के नेशनल बजट में तीन मेन थीम्स थे। नंबर वन, एस्पिरेशनल इंडिया। इस कंपोनेंट के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सेस टू जॉब्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर मेजर फोकस था। एज अ रिजल्ट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन और स्किल्स पर मेजर फोकस देखने को मिला। नंबर टू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। इस सेकेंड थीम के अंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट टारगेट किया जा रहा था। एज अ रिजल्ट, इंडस्ट्री और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 27,300 करोड़ एलोकेट किए थे। इस इनिशिएटिव के अंडर कुछ मेजर हाइलाइट्स देखते हैं। वन, इन्वेस्टर्स विल सी एंड टू एंड सपोर्ट विद द सेटअप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल विच वॉज प्रपोज्ड इन दिस बजट। टू, 5 नई स्मार्ट सिटीज भी प्रपोज की गई। गांधीनगर विल नाउ बी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। 3, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टिम्युलेट करना वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान। 4, एक्सपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस रिवाइज होंगे। देर इज अ प्लान टू डिजिटली रिफंड ड्यूटीज लेवीड एट वेरियस लेवल्स। 5, मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लायंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अफेक्ट होंगे। गवर्नमेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नए विजन के अंदर जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट की जा रही है। 6, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले 5 साल में 100 लाख करोड़ स्पेंड किए जाएंगे। 7, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा और टेक्नोलॉजी पर एक रिफ्रेश्ड फोकस देखने को मिला। नंबर 3, थर्ड थीम के अंडर एक केयरिंग सोसाइटी बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव था। करप्शन रिड्यूस करने पर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज, विमेन्स डेवलपमेंट, नॉन प्रॉफिट वर्क और स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी फंड एलोकेशंस डिटेल किए गए हैं। तो थीम्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन वेयर द मार्केट एंड द इकोनॉमी इज हेडेड, लेकिन देर आर सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दैट नीड टू बी मेंशन टू। देखते हैं विद दीज 12 मेजर पॉइंट्स। 1. 2021 के लिए गवर्नमेंट ने 30,42,000 करोड़ स्पेंडिंग्स के लिए एलोकेट किए हैं। ये फिगर पिछले साल के बजट से 12.7% ज्यादा है। दिस इज लाइकली टू क्रिएट न्यू जॉब्स एंड स्टिम्युलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। 2. 2021 के फिस्कल ईयर में इनकम टैक्स विल बी लेवीड अक्रॉस 7 इनकम स्लैब्स कंपेयर टू द करंट 3 स्लैब्स। फॉर दोज हुज इनकम इज अबव 15 लाख, द टैक्स रेट रिमेन्स एट 30%। दोज अर्निंग लेस देन 15 लाख विल पे लेसर इनकम टैक्स अंडर द न्यू रेजीम। हाउएवर, इन नए स्लैब्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर यू कैनॉट क्लेम डिडक्शंस ऑन अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। 3, इन द न्यू बजटरी एलोकेशन 13 मिनिस्ट्रीज में से हाइएस्ट इंक्रीज इन एलोकेशन वॉज मेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस विच इज अप बाय 129%, followed by the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, which was up by 30%. 4. Manufacturing companies believe there is now an option to pay income tax at 15%.
The same benefit will also apply to the electricity segment. With a push for Make in India, manufacturing activity में COVID के slowdown के बाद stimulus देखने को मिल सकता है. 5. Dividend payout पर companies had to pay tax at 15% in the new budget. This has been removed and the tax will now be paid by the recipient of the dividends. Analysts predict that 2021 में dividends will see a comeback in the markets. 6. India might get to see more startup activity. In the new budget, अगर startups का turnover 100 crore से कम है, तो they can get a full tax waiver on all profits for any 3 of the first 10 years. Until now, startups could choose to get a tax waiver only during the first 3 consecutive years, and the ceiling on turnover was 25 crores. 7. Excise duty में कुछ changes देखने को मिले. Chewing tobacco पर duty has been raised from 10 to 25%. But this is unlikely to affect tobaccos in elastic demand. Kitchenware, tableware, footwear, fans or toys पर customs have been increased. 8. Medtech devices पर अब एक health cess applicable होगा, which will be used to improve the national health infrastructure. However, this is unlikely to affect medtech startups and companies, as the demand for these products has shot up drastically both nationally and abroad. 9. In line with the objective to stimulate activity in the automotive sector, there will be some GST relief. However, fuel को GST के umbrella में include किया जाएगा. 10. 2021 में, the government has set a disinvestment target at 2.1 lakh crores. As a result, it will sell public sector holdings on the stock market. There is a major news in the 2021 budget. The government is planning to offer its holdings in Life Insurance Corporation and IDBI Bank through IPOs. LIC ka current valuation is 11 to 12 lakh crores. Therefore, this IPO is being called the mother of all IPOs and is likely to absorb a chunk of liquidity in the markets. Those who are looking to start strong in the next year should start planning their participation in this golden opportunity now onwards. Open up a DMAT account with Angel Broking today and gear your finances up for leveraging this historical opportunity. IT infrastructure mein improvements dekhne ko milenge. Do you know why? Kyunki the government is introducing a scheme which will promote development of data centers by private entities. Saath hi, there is a new national policy on official statistics which will make use of AI. In addition, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पर अगले 5 साल में 8,000 crores स्पेंड किए जाएंगे. These are major enablers of business, and as a result, doing business digitally in India will become easier with an overall push towards smart business. 12. Macroeconomic variables में कुछ major changes देखने को मिले. Starting with the national debt, which has reduced from 55.1% of GDP in 2000-2001 to approximately 50% of the GDP. Saath hi, revenue deficit stands at 2.7% of the GDP. This measures the difference between the government's spendings and its actual revenue. Will the government be able to achieve its 2023 revenue deficit target of 1.9%? Let us know what you think in the comments. So these are some of the major insights from the 2020-2021 national budget. You can now use this information and research further to make some important decisions for your portfolio and your trading game plan. Analysts were critical of some themes in the 2020-21 national budget. As a result, aane wale saal ke budget se investors have some big expectations. Some examples are removal of long-term capital gains tax, securities transaction tax, and indexation benefits and equity-based mutual funds. Will the new budget answer the questions of the common investor? Subscribe to our channel or visit www.angelbroking.com to stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.